हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 14, फ्रेंड्स एंड लेटर्स। इन दिस पोएम द पोएट हैज वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड एंड डिपिक्टेड द क्वालिटी ऑफ हिज फ्रेंड। इस पोएट में जो कवि है उसने जो बड़ी सुंदरता से जो एक ट्रू फ्रेंड की जो क्वालिटी है उनको डिपिक्ट किया, उसको वर्णन किया है। वी आर समटाइम कैरीड अवे बाय फ्लैटर एंड फेल टू रिकॉग्नाइज द फीलिंग ऑफ ट्रू फ्रेंड। कभी कभी जो है ना, हम जो है जो चापलूस होता है, हम उसके द्वारा कहीं और कैरीड अवे, दूर ले जाए जाते हैं, और हम जो है ना एक अच्छे दोस्त की जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उनको पहचानने में असफल रहते हैं। तो ये सब हमने इस पोएम के माध्यम से रीड करना, फ्रेंड्स एंड लेटर्स, दोस्त और चापलूस। एवरीवन दैट फ्लैटर दी इज नो फ्रेंड इन मिजरी। प्रत्येक व्यक्ति जो आपको चापलूसी करता है आपकी, इज नो फ्रेंड इन मिजरी, वो जो है कष्ट में आपका दोस्त नहीं होता है। वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, क्योंकि जो फ्लैटरर होता है, जो चापलूस होता है, उसके लिए कहा गया है ये कि जो वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, जो शब्द होते हैं वे हवा की तरह से बड़े आसान होते हैं। फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, और जो फेथफुल फ्रेंड्स होते हैं उनको पाना बहुत ही कठिन होता है। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड, दाई मीन यू, प्रत्येक व्यक्ति आपका दोस्त बन जाएगा। वाइलेस्ट यू हैस्ट वेयर विद टू स्पेंड, वेयर विद का मतलब यहाँ पे हम, इट मीन्स मनी। प्रत्येक व्यक्ति जो आपका दोस्त बन जाएगा अगर आपके पास खर्च करने के लिए मनी है। बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन बी स्कैंट, स्कैंट मीन कम होना, क्राउन होता है ब्रिटिश कॉइन। अगर आपके पास जो क्वाइन, जो पैसे का जो खजाना है वो कम हो जाएगा, नो मैन विल सप्लाई दाई वांट, कोई भी व्यक्ति जो है जो आपको जरूरत पड़ेगी वो आपके पास नहीं होगा या वो आपकी मदद नहीं करेगा। इफ दैट वन बी प्रोडिगल, अगर प्रोडिगल का मतलब होता दैट वन स्पेंड मनी टू फ्रीली, जो मतलब खुले रूप से पैसा खर्च करता है। अगर कोई प्रोडिगल है, अगर कोई व्यक्ति जो है खुले हाथ से पैसा खर्च करता है, बाउंटीफुल दे विल हिम कॉल, बाउंटीफुल होता है विलिंग टू गिव फ्रीली, तो वो आपको जो है ना, आपकी को जो है ना फ्रीली एक स्वतंत्र रूप से आपको पैसे देगा, आपकी जो इच्छाएं हैं आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। एंड विद सच लाइक फ्लैटरिंग, और इस तरह की जो चापलूसी, पीटी बट ही वर्किंग, वो जो है इस तरह से जो है फीलिंग शो करेगा जैसे कि वो क्या है उसके लिए एक राजा के समान है, उस तरह से दया की भावना उस दोस्त के प्रति रखेगा जिसके पास जो है पैसा है खर्च करने के लिए। बट इफ फॉर्चून वंस डू फ्रॉम, अगर भाग्य, जो फॉर्चून मीन भाग्य, अगर उसका जो भाग्य है, अगर उसके पास जो पैसा है, वंस डू फ्रॉन, डू फ्रॉन का मतलब होता है नॉट फेयरवेल, अगर भाग्य उसके पक्ष में नहीं है, देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनोन, रिनोन होता प्रसिद्धि फेम, तो उसकी जो प्रसिद्धि है उसको जो है ना अलविदा कहा जाता है, उसकी प्रसिद्धि को जो है ना काउंट नहीं किया जाता, सब उसको अलविदा कह देते हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, उसका भाग्य जो है डू फ्रॉन है, उसका भाग्य जो है नॉट फेवरेबल है। दे दैट फॉन्ट ऑन हिम बिफोर यूज हिज कंपनी नो मोर, दे दैट फॉन्ट ऑन हिम बिफोर, फॉन्ट का मतलब होता है Try to please by flattery, चमचागिरी के द्वारा किसी को खुश करने का प्रयत्न करना।
दैट दे दैट फोन ऑन हिम बिफोर, पहले जो चमचागिरी के द्वारा अपने दोस्त को खुश करता था, यूज हिज कंपनी नो मोर, अब वो उसकी कंपनी को ज्यादा प्रयोग नहीं करता है क्योंकि उसका भाग्य उसके साथ नहीं है। ही दैट इज दाई फ्रेंड इन डिड, भाई वो दोस्त जो वास्तव में दोस्त है, ही विल हेल्प दी इन दाई नीड, वह जरूरत में आपकी मदद करेगा। इफ दाउ सोरो ही विल बी, अगर आप कष्ट में हो, दुख में हो, तो वह रोएगा। इफ दाउ वेक ही कैन नॉट स्लीप, अगर आप जागे हुए हैं तो वह सो नहीं सकता है। ये ट्रू फ्रेंड की क्वालिटीज हैं। द सोप एवरी ग्रीफ इन हर्ट, इस तरह से प्रत्येक दिल के अंदर जो दुख है, ही विद दी दो बियर ए पार्ट, वह आपके साथ होगा, आपके दिल के अंदर जो दुख है उसको बंटवाने के लिए वह आपके पास होगा। दीज आर सर्टेन साइन टू नो, ये कुछ निश्चित संकेत हैं जानने के, फेथफुल फ्रेंड फ्रॉम फ्लैटरिंग फू, जो वफादार दोस्त से जो चमचागिरी दुश्मन के तरफ ले जाते हैं, तो ये कुछ जो है संकेत होते हैं जिसके माध्यम से हम ये पहचान जाते हैं कि हु इज फेथफुल फ्रेंड एंड हु इज फ्लैटरिंग फू। द पोएम इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो बेटे ध्यान से रीड करना है पोएम को और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, वर्ड मीनिंग पहले सेंड किए जा चुके हैं। ओके, थैंक यू बेटे।